नमस्कार मित्रों, प्रकरण चार व्यवस्था तंत्र धोरण 12 बीए। हम नवा चैप्टर की शुरुआत करिए छे तो के स्टूडेंटो ने एवं तकलीफ पड़ती हो विडियो साहब 11 शूँ कहूँ रहें प्ले लिस्ट में तमने दरेक चैप्टर वाइज मिली जैसे जेने आइडिया नहीं देने प्ले लिस्ट चेक करने स्टेप बाय स्टेप सवाल जवाब जुवाना रहें सारी क्वालिटी में जुवाना रहें शांति जुवाना रहें। तो आज अपने बीए चौथा प्रकरण की शुरुआत करिए व्यवस्था तंत्र। तो व्यवस्था तंत्र कोने कहवाय आज अपने पहलो सवाल जुवाना छे। तो व्यवस्था तंत्र एटले शुं सवाल ज्यारे आवो पूछायो होय बे मार्क्स में एक मार्क्स में जुदा जुदा संचालन शास्त्रीय की व्याख्या तो ये आपने जोईए। तो पहली व्याख्या जे आपने स्टार्टिंग में पहला प्रकरण में भणी गया था ए ज वाक्य अहीं रिपीट करेली छे। कई वाक्य तमने व्यवस्था तंत्र आवे एटले तमने ख्याल छे बे शब्द आवे सत्ता ने जवाबदारी नी वेचनी घटो मारको એટલે વાક્યના સમાન ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા ભેગી થયેલી ભેગી લખો એટલે ભેગી પ્રવૃત્ત લખો એટલે પ્રવૃત્ત એકત્ર લખો એટલે એકત્ર એટલે સમાન ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે ભેગી થયેલી વ્યક્તિઓ વચ્ચે સત્તા અને જવાબદારીની વહેંચણી કરતું માળખું એટલે શું છે વ્યવસ્થા તંત્ર કોને કહેવાય ને વ્યવસ્થા તંત્ર। फरी एक बार समान ध्येयने सिद्ध करवा माटे भेगी थयेली व्यक्तिओ वच्चे सत्ता अने जवाबदारीनी वेचनी करतो मारखो एटले व्यवस्था तंत्र। बीजी व्याख्या और बे संचालन शास्त्रीय व्याख्या जो परीक्षा में एवं पूछाय व्यवस्था तंत्र एटले शुं तो सीम्पल ए व्याख्या लखी नाखवानी पर एवं पूछाय के चेस्टर आई बर्नार्ड नी व्याख्या जणावो अथवा तो लुईस एलन नी व्याख्या जणावो तो आपने बे एज प्रमाणे लखवानी रहेशे। तो चेस्टर आई बर्नार्ड प्रमाणे व्यवस्था तंत्र कोने कहेवाय तो ये शुं कहे छे के भाई बे के तेथी वधु व्यक्तिओ छे एटले के ज्यारे बे के तेथी वधु व्यक्तिओना कोना द्वारा सहकार द्वारा थती प्रवृत्ति शुं छे बे के तेथी वधु व्यक्तिओना सहकार द्वारा थती प्रवृत्ति एटले व्यवस्था तंत्र। आ व्याख्या कोने आपेली छे चेस्टर आई बर्नार्डे। तो रिपीट करो मित्रों तमे जोड़े जोड़े चेस्टर आई बर्नार्डना जणाव्या मुजब बे के तेथी वधु व्यक्तिओना सहकार द्वारा थती प्रवृत्ति एटले व्यवस्था तंत्र। रिपीट करो छेल्ली वखत चेस्टर आई बर्नार्डना मुजब व्यवस्था तंत्र कोने कहेवाय बे के तेथी वधु व्यक्तिओना सहकार द्वारा थती प्रवृत्ति एटले व्यवस्था तंत्र। छेल्ली व्याख्या आवे छे लुईस एलनना प्रमाणे। लुईस एलन ना प्रमाणे कोने कहेवाय तो एनी व्याख्या थोड़ी लांबी छे पण कई रीते आपणे याद राखवानी छे ते जोईए। पहला तो कई के प्रक्रिया छे व्यवस्था तंत्र एक शुं छे प्रक्रिया छे जेमां शुं थतुं होय छे तो निश्चित हेतुओने शुं करवा सिद्ध करवा लोको वधुमां वधु असरकारक रीते कार्य करी शके एटले निश्चित हेतुने सिद्ध करवा माटे लोको वधुमां वधु असरकारक रीते कार्य करी शके आ पहेलो मुद्दो याद राखवानो छे। व्यवस्था तंत्र एक प्रक्रिया छे के जेमां निश्चित हेतुने सिद्ध करवा माटे लोको वधुमां वधु असरकारक रीते कार्य करी शके ते माटे हवे शुं करवानुं छे तो कार्यनी स्पष्टता करवानी छे तेनुं वर्गीकरण करवानुं छे। पहेला सत्ता अने जवाबदारी एटले के शुं आवी गयो जवाबदारी अने सत्ता सोंपवानी छे अने छेल्लो स्टेप संबंधो स्थापवानी प्रक्रिया एने शुं कहेवाय व्यवस्था तंत्र। तो फरी रिपीट करो व्यवस्था तंत्र एक प्रक्रिया छे के जेमां निश्चित हेतुने सिद्ध करवा माटे लोको वधुमां वधु असरकारक रीते कार्य करी शके ते हेतुथी कई चार वस्तु करवानुं हेतु कार्यनी स्पष्टता करवानी तेनुं वर्गीकरण करवानुं जवाबदारीने सत्ता सोंपवानी अने संबंध स्थापवानी प्रक्रिया छे। थई गयुं सिम्पल लांबी छे पण सिम्पल छे। चलो तो मित्रों छेल्ले वक्त फटाफट रिपीट कर टोणे टोन फक्त व्याख्या ने तमारो पण रिपीट करवानो कोने कहेवाय समान ध्येयने सिद्ध करवा माटे भेगी थयेली व्यक्तिओ वच्चे सत्ता ने जवाबदारीनी वेचनी करतुं मारखुं एटले व्यवस्था तंत्र। चेस्टर आई बर्नार्डना मुजब बे के तेथी वधु व्यक्तिओ सहकार द्वारा थती प्रवृत्ति बे के तेथी वधु व्यक्तिओना सहकार द्वारा थती प्रवृत्ति एटले व्यवस्था तंत्र। ए लुईस एलनना प्रमाणे व्यवस्था तंत्र एक एवी प्रक्रिया छे के जेमां निश्चित हेतुने सिद्ध करवा माटे लोको वधुमां वधु असरकारक रीते कार्य करी शके ते हेतुथी कार्यनी स्पष्टता करवी तेनुं वर्गीकरण करवुं जवाबदारीने सत्ता सोंपवानी अने संबंधो स्थापवानी प्रक्रिया छे। तो आ मित्रों तो व्यवस्था तंत्र एटले शुं
થોડા સમય રહીને અમે સવાર બીજા સાથે આગળ વધીશું વ્યવસ્થા તંત્રના લક્ષણો. જય શ્રી કૃષ્ણ.